आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइस सर, BGMI के अंदर देखो अभी जो A2 रॉयल पास है वो काफ़ी ज़्यादा दिन हो चुके हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रॉयल पास आएगा उसमें हम लोग को क्या क्या चीज़ें जो चेंजेस होंगी वो बताऊंगा। एंड गाइस BGMI के अंदर आप लोग देखोगे द फूल इज ब्लेसिंग करके एक न्यू स्पिन आ चुकी है जिसमें हम लोग को मटेरियल एंड ऐसी ऐसी स्किन मिलेगी ना जो आप सपनों में नहीं सोचे होंगे कैसे सारी स्किन मिलेगी आप लोगों को। आइए यार आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो चलो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना एंड अगर चैनल पे नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। गाइस सर, आज जैसे आज आप लोग अपने BGMI के अंदर आओगे तो आप लोग को दिखेगा द फूल इज ब्लेसिंग करके एक न्यू स्पिन जो कि काफी ज्यादा ही कमाल की है। ये अवतार होगा वो भाई साहब, मतलब अवतार में अलग ही चीज आ रही है। एंड ये सबसे कमाल की चीज है, इसमें फ्रेम जो आएगा उसमें भी एनिमेटेड फ्रेम है जो कि काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। एंड सबसे कमाल की चीज है, मतलब ये जो स्पिन आई ना फूल स्कारल के लिए स्पिन आई है और ये लेवल 1 स्कारल की स्किन है जो कि इतनी ज्यादा अमेजिंग लग रही है कि ऐसा लगता है लेवल 7 की है। पर लेवल 7 पे आप लोग देख सकते हो भाई क्या लाजवाब स्किन दे दिए हैं यार। भाई ऐसी स्कारल की स्किन मैंने आज तक नहीं देखी। एंड सबसे कमाल चीज़ का किल फीड देखो भाई, तो किल फीड में मतलब एक अलग ही चीज़ आती है भाई। किल फीड में हर एक चीज़ इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि लूट के रेट भी बहुत अच्छी है, यहाँ तक तो चलो कोई जाता ही नहीं है। हिट इफेक्ट भी आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। एंड आप लोग यहाँ पे फाइनल फॉर्म भी देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो भाई। क्या ही चीज़, मतलब जो चीज़ें होती है ना इतनी ज़्यादा अमेजिंग होती है कि मन करता कि आप भी ले लो, पर इतने पैसे कहाँ से आएंगे भाई। एंड इसके बाद हम लोग को जो ग्लाइडिंग वाली चीज़ है वो देख सकते हो कितनी ज़्यादा अमेजिंग है। एंड एक मॉनिस्टर की स्किन आ रही है जो कि आप लोग देख सकते हो, मॉनिस्टर को मॉनिस्टरी बना दिया, कितनी प्यारी सी हो गई मतलब मॉनिस्टर की स्किन। एंड इसके बाद हम लोग को एक यहाँ पे देख सकते हो लोबी मिलने वाली है जो कि यार बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगेगी, अभी अच्छे से दिख नहीं पाएगी क्योंकि सामने ये आ रहा है, बाद में आप लोग देख लेना। एंड इसके बाद हम लोग को ये चीज़ें मिलेंगी, तो ये सारी चीज़ें जो कि आप लोग को मैंने दिखा दी सारी चीज़ें मिलने वाली है। और गेम पीस एक्सचेंज में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें, जैसे कि ये वाला आउटफिट देख सकते हो, कोई बंदा कहेगा नहीं ये आउटफिट एक सूट ऐसा नहीं है क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से इसकी एंट्री होगी। ओ भाई क्या ही लाजवाब इमोट है। ओके यहाँ पे आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हो इस अल्टीमेट आउटफिट को कितनी खतरनाक, पहले हम लोग को एक सूट ऐसे मिलते थे, अब अल्टीमेट आउटफिट इस तरीके से आते हैं। लोबी एंट्री कुछ इस तरीके से होगी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अगर किसी की लोबी में जाओगे कुछ इस तरीके से आप इंटर करोगे। ओ भाई क्या ही लाजवाब है। अभी सब कुछ बताऊंगा कि कैसे आप लोग ले सकते हो स्कारल की स्किन जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। एंड एक आउटफिट आएगा जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फुल कॉम्बिनेशन के साथ, और आउटफिट कर नहीं रहा। हाँ ये इमोट रहेगा, जिस किसी की लोबी में जाओगे तो कुछ इस तरीके से इमोट करेगा। ओके यहाँ पे गुलाब निकाल दिया भाई, एक नंबर है भाई, एक नंबर इमोट है भाई। उसके बाद हम लोग का इसका मास्क है, उसके बाद एक और आउटफिट रहेगा जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मतलब 3 आउटफिट आएंगे, तीनों के अपने अपने इमोट रहेंगे भाई। क्या ही चल रहा है, ये कौन सी स्किन स्पिन बोलोगे यार, स्कारल की स्पिन बोलोगे या तो फिर आप लोग इसको अल्टीमेट आउटफिट की स्किन बोल सकते हो, स्पिन बोल सकते हो। कमाल की चीज़ है, आप लोग यहाँ पे एक यूजी है, ये पैराशूट की स्किन है जो कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये देख सकते हो पैराशूट की स्किन कुछ इस तरीके से आई है, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि पैराशूट की स्किन कुछ इस तरीके से आई है भाई। क्या ही ले, मतलब क्या चल क्या रहा है भाई, इतना खतरनाक स्किन कैसे आ गई। और यहाँ पे DP की स्किन देख सकते हो भाई, DP की भाई क्या ही है यार, लाजवाब है। एंड इस यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ों की स्किन आई है। एंड अगर आप लोग जो ये इमोट थे सिंगल सिंगल वाले, अगर आप लोग अलग से जाओ तो वो भी ले सकते हो 150 गेम पीस के, तो आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। चलिए सारी चीज़ें कैसे लेनी है तो मैं आपको बता दूँ। देखो आप लोग यहाँ पे जब अल्टीमेट आउटफिट पर क्लिक करोगे तो नीचे लिख के आ रहा है 7000, तो सॉरी 700, तो आप लोग को जो गेम पीस होंगे 700 अगर आपको मिल जाते हैं। देखो गेम पीस कैसे मिलेंगे उसके लिए देखो आपको क्या करना है, और एक चीज़ और बता दूँ आपको कि अगर गेम मिस्ट्री क्रिएट में अगर आप 200 बार ड्रॉ कर लेते हो तो इसमें से जो चीज़ें हैं वो आपके लिए निकल जाएंगी, वो 100% है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। एंड यहाँ पे देखो देखो गेम पीस कैसे मिलेगा, तो सिंपली से आपको स्पिन करना है, और जैसे स्पिन करोगे 10 UC में, और आप लोग 10 UC का ट्राई कर लिया करो क्योंकि अगर आपका लक रहा तो भाई कुछ भी निकल सकता। ओ भाई मटेरियल निकल गया,
जी हाँ गाइस, आप लोग का मटेरियल काफ़ी ज़्यादा निकलेगा इसमें। अगर आप लोग को मटेरियल चाहिए, मिनी मटेरियल मिलेगा, रियल मटेरियल तो है भी नहीं। तो इस तरीके से आप लोग डेली 10 UC की स्पिन आएगी, वो भी कर लेना। और जिसमें लग रहा है तो आपकी स्कारल भी निकल सकती है, आउटफिट भी निकल सकता है। इतने सारे रिवार्ड है कि मतलब कुछ भी निकल सकता है यार, मतलब कोई रिवार्ड ऐसा खाली नहीं जाएगा, मतलब सब निकल जाएंगे आप लोगों के लिए। तो बात कर लेते हैं कि जो बीच में के अंदर A3 रॉयल पास आएगा उसमें हम लोग को क्या क्या चीज़ें होंगी जो चेंज हो जाएंगी। तो आप लोग को बता दो कि जो रॉयल पास A3 पबजी के अंदर है तो इसलिए समझाने में आसानी होगी। तो जो सबसे बड़ा मेजर चेंज होगा वो ये होगा कि आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि जो पबजी के अंदर week 8 तक आता है, जैसा कि आप लोग देखो week 8 भी ओपन हो चुका है, लेकिन अगर आप बीच माह के अंदर रहोगे तो आपको week 8 नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ week 7 लास्ट रहता है। तो ये जो सबसे बड़ा वीक का डिफरेंस होता है, ये मेजर चेंज है जो कि हम सभी लोग को पबजी और BGMI में डिफरेंस देखने को मिलता है रॉयल पास के अंदर। एंड गाइस, ये तो हो गया फर्स्ट डिफरेंस। अब गाइस बात कर लेते हैं सेकंड डिफरेंस के बारे में। तो आप सभी लोग को पता होगा कि रॉयल पास में जो रिवार्ड मिलते हैं, जो कि मैं आपको बता दिखा भी चुका हूँ पहले ही, तो रिवार्ड के अंदर हम लोग को कुछ इस तरीके से मिथिक एम्बलम फ्रेगमेंट देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी मात्रा में है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखोगे 12 RP पे है, उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाओगे फिर देख लोगे, उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाओगे तो आपको ये बैक टू बैक मिलते चला जाता है। लेकिन कहीं सर बीच में के अंदर इस चीज़ को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था इससे पहले, लेकिन अब से आपको पता होगा कि BGMI के अंदर भी एक गील इवेंट आ चुका है जो कि कुछ इस तरीके से होगा। मतलब आपको दिखा दो, इस तरीके से है, आपको पता होना चाहिए। तो अब इसमें जो मिथिक एम्बलम फ्रेगमेंट मिलता है इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो अब से पहले जो चेंजेस होते थे, मिथिक एम्बलम हम लोग को देखने को नहीं मिलता था, अब वो चीज़ें हम लोग को चेंज नहीं होंगी। अब से हम लोग को मिथिक एम्बलम भी देखने को मिलेगा, जैसा कि इसमें 12 RP पे है तो उसमें भी हम लोग को 12 RP पे देखने को मिलेगा। एंड जैसे बात कर लेते हैं थर्ड मेजर चेंजेस की, जो कि हम सभी की ज़रूरत है, 60 UC वाउचर। क्योंकि आप सभी लोग को पता होगा कि अब से रॉयल पास के अंदर कोई भी 60 UC वाउचर देखने को नहीं मिलता है। तो अब BGMI के अंदर देखो नहीं मिलता है, पबजी के अंदर भी बिल्कुल नहीं है। लेकिन कैसे देखो, पबजी के अंदर एक जगह पे हम लोग को 60 UC वाउचर देखने को मिलता है परचेस बोनस में। जैसे कि A3 रॉयल पास आ गया तो उसका भी 60 UC वाउचर आ जाएगा, तो A4 रॉयल पास के लिए नहीं आएगा। A4 रॉयल पास जब आएगा तो उसके लिए A4 रॉयल पास का आ जाएगा वाउचर। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं, ये चेंजेस हुई हैं पबजी के अंदर। तो आप बहुत सारे बंदे जिनको रॉयल पास लेना होता है वो यहाँ से 60 UC वाउचर खरीद के और रॉयल पास ले लेते हैं। लेकिन जैसे ये चीज़ अभी BGMI के अंदर नहीं आई है कि हम लोग को यहाँ से परचेस बोनस से 60 UC वाउचर मिले। तो मैं यही होप करूँगा कि ये जो चीज़ें हैं ये BGMI के अंदर भी आ जाए 60 UC वाउचर का, जिससे हम लोग रॉयल पास में 60 UC कम कर सकें। बाकी का सर एक ट्रिक है जो कि 60 UC वाउचर आप लोग अब सभी लोग ले सकते हो, जो रॉयल पास लेते हो नहीं लेते हो सभी लोग ले सकते हो। वो ट्रिक जो कि मैं आप बनाने वाला हूँ, थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, जैसे फ्री हो जाऊँगा तो मैं एक फेस कैम वीडियो अच्छे से बना के आप लोग को बता दूंगा सब कुछ एकदम डिटेल बाय डिटेल में, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ के सभी लोग ले पाओगे। तो गाइस ये तीन मेजर चेंजेस थे जो कि मैंने आपको बता दिया, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चेंजेस होगा। जो UC का प्राइस है वो बिल्कुल सेम, रॉयल पास का प्राइस है वो बिल्कुल सेम होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले और भी, तो मैंने आपको बता दिया। तो चलो गाइस यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद हो तो लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।